अ लव स्टोरी दैट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ सिनेमा, एक कहानी जो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं लेकिन बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में भी गूंजती थी। इमेजिन द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ दैट एरा कमिंग टुगेदर इन वन फिल्म, और ऑडियंस का एक्साइटमेंट तो आप समझ सकते हो ना। बट वेट, इस लव स्टोरी में एक ऐसी चीज थी जो सबको कंफ्यूज कर रही थी, ये सिर्फ एक फिल्म थी या कुछ और भी? क्या आपको लगता है कि कभी कभी हिंदी सिनेमा की फिल्में रियल लाइफ के इतने करीब हो जाती है कि हम सच और अफसाना अलग नहीं कर पाते? आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक सिलसिला बन गई थी। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। 1981 का वो दिन याद करो। अमिताभ बच्चन थे शहंशाह बॉलीवुड, हर जगह छाए हुए थे, हर फिल्म एक ब्लॉकबस्टर, हर रोल आइकॉनिक। एंड देन केम अ प्रोजेक्ट दैट शुक बॉलीवुड एंड द ऑडियंस अलाइक, सिलसिला। हाँ हाँ, सिलसिला, एक फिल्म जो देखा तो सबने है एक रोमांटिक ड्रामे की तरह, लेकिन उसके पर्दे के पीछे चल रही थी एक रियल लाइफ लव स्टोरी, बिग बी, रेखा और जया बच्चन। एक ऐसा लाइफ ट्रायंगल जो बस स्क्रीन तक सीमित नहीं था। अब जरा सोचिए, इनिशियली इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया था स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को, लेकिन डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब ने कुछ और ही सोचा था, उन्होंने काफी डेयरिंग डिसीजन लिया और रिप्लेस देम विद रेखा एंड जया बच्चन। एंड जस्ट लाइक दैट, अ सिनेमैटिक लव ट्रायंगल गॉट एंटैंगल्ड विद द रियल लाइफ रूमर्स स्विर्लिंग अराउंड दीज स्टार्स। तो न्यूज हेडलाइंस भी इसी बात पे होती थी, रियल लाइफ और रियल लाइफ। ऑडियंस बस ये देखने के लिए थिएटर जाती थी कि क्या सच में अमिताभ और रेखा के बीच वो केमिस्ट्री है जो हर जगह न्यूज में चल रही थी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अमिताभ बच्चन ने इनिशियली सिलसिला करने से मना कर दिया था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने यश चोपड़ा को कहा था ये बहुत पर्सनल हो जाएगा। आई मीन इट मेक सेंस राइट, कौन अपनी पर्सनल लाइफ को सबके सामने लाना चाहेगा। लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें फाइनली मना ही लिया, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। क्या आपको याद है सिलसिला का एवरग्रीन गाना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में वो रोमांस अमिताभ और रेखा के ख्वाबों जैसे सीन्स इतना ड्रीमी था कि लगता था कि सच में ये ख्वाब चल रहा हो, लेकिन असली ख्वाब तो बैक स्टेज चल रहा था। लोग बस ये देखना चाहते थे कि अमिताभ और रेखा के बीच का मैजिक रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में दिखेगा या नहीं। वैसे सिलसिला के गाने उस वक्त के हिट चार्टबर्स थे, जो गाने आज भी सदियों और रोमांटिक ओकेजंस पे बजाए जाते हैं, वो सब इस फिल्म के ही हैं, जैसे कि नीला आसमान सो गया, नीला आसमान सो गया, एक सोलफुल गाना जो आपको उस वक्त के रोमांस और दर्द में डूबने पे मजबूर कर देता है। इमेजिन अमिताभ और रेखा रेन सीन में खड़े हैं, दोनों के बीच एक इमोशनल कन्वर्सेशन और बैकग्राउंड में ये गाना चल रहा हो। मुझे लगता है उस सीन के बाद तो मुंबई के मॉनसून और रोमांटिक हो गए होंगे। एंड देन देयर इज रंग बरसे, अरे हाँ, होली का सबसे पॉपुलर एंथम। आज भी होली का मजा इनकम्प्लीट है बिना इस गाने के। पर आपको ये पता है, इस गाने को अमिताभ बच्चन ने खुद गाया था। यस, बिग बी का एक गाने के लिए प्लेबैक सिंगर बन जाना तो आइसिंग ऑन द केक था। अब जरा सोचिए सेट्स पर क्या माहौल होता होगा। इमेजिन योर लव ट्रायंगल, जया बच्चन एज द ड्यूटीफुल वाइफ, रेखा एज द अदर वुमन, और बीच में ठीक बिग बी। शूटिंग के दौरान सबका ध्यान शॉट्स पर कम और उनके एक्सप्रेशंस पर ज्यादा होता होगा। ऐसा लगता था कि हर सीन के बाद ऑफ स्क्रीन ड्रामा चलेगा, लेकिन सच तो ये था कि सब काम प्रोफेशनल था मोस्टली। सिलसिला में कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स भी थे जो आज भी लोगों के दिल में बस गए हैं, जैसे वो मोमेंट जब अमिताभ का कैरेक्टर अपनी वाइफ से कह रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह, उस लाइन में जो दर्द, जो रोमांस था, क्या आपको पता है ये सेम लाइन यूज की गई थी फिल्म कभी कभी में भी। यश चोपड़ा की फिल्मों में एक सिग्नेचर रोमांटिक टच तो हमेशा रहता ही है। सिलसिला आज के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक लीगेसी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में एक अहम हिस्सा बन गई है। ये वो फिल्म है जिसने लव, बेट्रेल और सैक्रिफाइस को इतनी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया कि आज भी लोग इससे रिलेट करते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम सिलसिला देखो, ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सिलसिला था जो बॉलीवुड के पर्दे के पीछे चल रहा था, और जो बातें हमने देखी वो सिर्फ एक ट्रेलर थी, असली कहानी तो हम सबके बीच हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सीन या गाना सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको और भी बॉलीवुड के ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि हम हर बार आपको फिल्मी दुनिया के नए सीक्रेट्स से मिलाते रहें।